हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज डॉक्टर जिशान खान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो नहीं जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। वो बेबी प्लान करना तो चाहते हैं बट उनकी वाइफ, उनका पार्टनर प्रेगनेंट नहीं हो पा रहा है। वो सेक्स भी कर रहे हैं, स्पर्म भी वेजिना में जा रहा है, फिर क्यों प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो रही है? इसके दो कारण हैं। एक है एजोस्पर्मिया, दूसरा है ओलिगोस्पर्मिया। पहले हम बात करते हैं एजोस्पर्मिया की। एजोस्पर्मिया को अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो सीमन है उसमें स्पर्म काउंट नील मतलब जीरो होता है, वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। और ये कब पता चलता है? जब बच्चे नहीं होते हैं। एजोस्पर्मिया सेक्स के ताल्लुक से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, ये सिर्फ टेस्टिस में डेथ स्पर्म पैदा करता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं। सेकेंड है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का सीधा सा मतलब है सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट का कम होना। अगर आपको एक हेल्थी बच्चा या बच्ची चाहिए तो आपके स्पर्म काउंट को भी हेल्थी होना चाहिए। स्पर्म काउंट की नॉर्मल रेंज क्या है और कैसे पता चलेगी? जब आप किसी पैथोलॉजी में जाकर अपना सीमन एनालिसिस करवाते हो उसमें जो रेंज होती है आपके स्पर्म काउंट की वो रिपोर्ट में आ जाती है। अगर आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर मिलियन से कम आ रही है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अब हमें बच्चे ना होने के दो मुख्य कारण तो पता चल गए हैं, पर हम नॉर्मल हैं ये कैसे पता करें? बहुत ईजी है, आप कोई भी अच्छी पैथोलॉजी में जाकर अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करवा लो और रिपोर्ट में क्या है देख लो। कोई भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, उनसे राय ले लो। आप मुझे भी सेंड कर सकते हो, मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा और इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। सिंपल, उसमें दो तीन पैरामीटर होते हैं। पहला होता है टोटल सीमन काउंट, सेकेंड होता है मोर्टेलिटी, रैपिड स्पीड मोर्टेलिटी, थर्ड होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, डेथ स्पर्म कितने मिलियंस हैं, कितने लाइफ हैं, कितने डेथ हैं। कभी कभी स्पर्म काउंट 110 मिलियन भी होते हैं, बट रैपिड डेथ स्पर्म कितने हैं, 100 मिलियन है, 105 मिलियन है, ये पेशेंट नहीं देख पाता, ये समझ नहीं पाता। वो खुश हो जाता है हमारे स्पर्म तो 110 मिलियन है, पर असली वजह नहीं पता कर पाता। कभी ये याद रखिए, रैपिड प्रोग्रेस आपका 30 मिलियन से ऊपर होने चाहिए तभी आप बच्चे पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं। और नॉर्मल स्पर्म काउंट फॉर नॉर्मल हेल्थी बेबी के लिए आपके स्पर्म काउंट 40-50 मिलियन होने चाहिए, ये WHO का कहना है 2019 में। बट न्यू रिपोर्ट्स में WHO कहता है लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गए हैं, अब नॉर्मल स्पर्म काउंट की लेवल 30-40 मिलियन कर दी गई है। WHO ने 2021 में न्यू गाइडलाइंस लाई है जिसमें 30-40 मिलियन नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर का कोई भी सेफ ट्रीटमेंट विदाउट साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ यूनानी एंड आयुर्वेदिक में ही लेना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे जितने भी एड्स या वीडियोस देखते हैं ये सब फर्जी और डुप्लीकेट होती है, और तो और ये आपकी सेक्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अपना ट्रीटमेंट आपको कोई हकीम वैद्य से भी नहीं कराना है क्योंकि ये मार्केट की लोकल मेडिसिन को ही पीस कर आपको पुड़िया बनाकर दे देते हैं और 3-6 महीने खाने को कहते हैं। आपको ट्रीटमेंट अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से ही लेना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जिनके पास गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो। याद रखिए, इसका ट्रीटमेंट बहुत सेफ एंड सिक्योर है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इंस्टेंट सामने आ जाते हैं। एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया के बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं और उनकी प्रेगनेंसी प्लान भी सक्सेसफुल हो चुकी है अब तक। तो टेंशन ना लें, अपना ट्रीटमेंट कोई भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही लें जो आपको सेफ मेडिकेशन दे
और आपका सीमन ग्रोथ करवाए। मेडिकेशन लेने के बाद आप 1 मंथ बाद यानी 1 महीने बाद फिर से अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करा सकते हैं और रिपोर्ट निकालें और रिजल्ट देखिए कि आपके स्पर्म काउंट ग्रोथ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।